वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा लेक्चर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम किसको दिखाता है, ये सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम्स का, जो अर्न किया जाता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम सभी जो फैक्टर इनकम्स होती हैं, फैक्टर इनकम्स का सम टोटल होता है नेशनल इनकम, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पूरे एक जो एक ईयर जो होता है उसमें जो इनकम अर्न की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पर हमें ध्यान देना होता है। सबसे फर्स्ट हम जो बात करते हैं नेशनल इनकम में कि नेशनल इनकम के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस होती है जिसके अंदर नेशनल इनकम को इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं फैक्टर इनकम्स। ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम के अंदर हम केवल फैक्टर इनकम्स को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और सेकेंड अपने अपने पास आता है कि नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और दूसरी कौन सी होती है, और दूसरा किसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, हम नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि उस कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट है, यानी कि उस कंट्री में जो रह रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज फैक्टर इनकम एंड वट इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। कि हमारे पास अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है और सेकेंड कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री का यहाँ पे क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर इनकम्स के बारे में। फैक्टर इनकम्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इनकम को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं टू वे में, मतलब इनकम को हम मेनली दो वे में ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर इनकम, जिसे फैक्टर पेमेंट्स भी कहा जाता है। सेकेंड ट्रांसफर इनकम, जिसे ट्रांसफर पेमेंट्स कहा जाता है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फैक्टर इनकम्स जो होता है वो रिलेट करता है फैक्टर सर्विसेज से, या फिर कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया रखा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं फैक्टर सर्विसेज, या फिर क्या कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हाउस होल्ड होता है ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर सर्विसेज का। कि जो हाउस होल्ड होता है वो क्या करता है, हाउस होल्ड जो होता है वो इन सब का क्या होता है, ओनर होता है, यानी कि वो अपनी सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी क्या है, ये सारी अपनी फैक्टर सर्विसेज है, ठीक है, ये सारी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बदले में इन्हें क्या मिलती है, पेमेंट मिलती है, तो उसे कहा जाता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है, उसे कहा जाता है अपनी पेमेंट, यानी कि बदले में जो उसको पेमेंट मिल रही है उसे कहा जाता है अपनी फैक्टर पेमेंट। जैसे कि लैंड, जब लैंड का यूज करते हैं तो क्या मिलता है लैंड पे, हमें रेंट। लेबर को क्या दी जाती है, वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दिया, क्या मिलता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तो सारी क्या हो गई अपनी, ये सब क्या है, फैक्टर सर्विसेज है, ठीक है। और बदले में क्या मिलती है, फैक्टर पेमेंट्स मिलती है। तो ये कहते हैं कि जब हाउस होल्ड जो होता है वो ओनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसके अलावा कहते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड से इन सभी सर्विसेज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। जो अपनी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड के द्वारा इन सभी सर्विसेज को वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं, और इन रिटर्न बदले में हाउस होल्ड को क्या देते हैं, वो पेमेंट्स देते हैं, ठीक है। जैसे लैंड का यूज़ किया तो उसको क्या दिया जाएगा, लैंड के बदले में रेंट दिया जाएगा। लेबर का यूज हो रहा है तो उसके बदले में क्या दिया जाएगा, उसको पेमेंट के रूप में वेजेस दी जाएंगी।
कैपिटल का यूज हो रहा है तो बदले में क्या दिया जाएगा उसको, इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का यूज हो रहा है तो बदले में क्या दिया जाएगा उसको, प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये सब होती है अपनी फैक्टर पेमेंट्स। अब कहते हैं कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड, कहते हैं अगर हम हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट से देखें तो ये सब क्या होती है, उसकी फैक्टर इनकम्स होती है, ठीक है। हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उसकी क्या है, फैक्टर इनकम्स है। और अगर हम प्रोड्यूसर के उससे देखते हैं तो ये क्या होती है भाई, उसकी फैक्टर पेमेंट्स होती है, ठीक है। मतलब कि हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, उसकी फैक्टर इनकम्स है, उसकी उसकी इनकम्स हो रही है। और अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके लिए क्या है, ये फैक्टर पेमेंट्स हो रही है, क्योंकि वो सर्विसेज लेता है और बदले में पेमेंट्स जो होता है वो देता है। अब कहते हैं फैक्टर इनकम्स जो होती है उसके अंदर मेनली हम किस किस को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला अपने पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाता है उसको फैक्टर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड रेंट जो किसको दिया जाता है, जो किसके ऊपर दिया जाता है, लैंड के ऊपर। इंटरेस्ट जो किसके ऊपर दिया जाता है, कैपिटल के ऊपर। और प्रॉफिट जो है किसको किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप को, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट मिलता है उसे कहा जाता है फैक्टर इनकम्स। और ये सभी जो फैक्टर इनकम्स होती हैं इनको नेशनल इनकम के एस्टीमेशन में इसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ध्यान रखना अपने पास आता है कि जब हम नेशनल इनकम को एस्टीमेट करते हैं तो उसके अंदर केवल फैक्टर पेमेंट्स को ही इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर पेमेंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो तरह की होती है, फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम्स एक ही बात है। ट्रांसफर पेमेंट्स कौन सी होती हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं जो ट्रांसफर फॉर फ्री, यानी कि जो यूनिलेटरल अपनी पेमेंट्स होती हैं, यानी कि जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं जिसके बदले में हमें कोई सर्विसेज नहीं देनी पड़ती, ये होती है अपनी ट्रांसफर पेमेंट। जैसे कि हम इसमें बोल सकते हैं ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, इसके बदले हमें हमें कोई सर्विस तो नहीं देनी पड़ती, वो हमें एक तरफा है। चैरिटी हो गई, ठीक है, जो दान दिया जाता है, तो ये सब जो होते हैं ये होती हैं ट्रांसफर पेमेंट्स में इनको इंक्लूड किया जाता है, या ट्रांसफर इनकम्स में इनको इंक्लूड किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो विडो अपनी जो विडो जो अपनी पेमेंट होती है, ठीक है, विडो जो अपनी दी जाती है, विडो जो पेंशन होती है उसको भी ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इन सभी ट्रांसफर पेमेंट्स को नेशनल इनकम के एस्टीमेशन में कैलकुलेट हम नहीं करते, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब अपने पास आता है कि हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं कंट्री के, ए नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो जिस कंट्री के अंदर वो रह रहे हैं उस कंट्री में रहकर वो अपनी इनकम को अर्न कर रहे हैं, यानी कि अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी इनकम को जिस कंट्री में रहकर अर्न कर रहे हैं वो वहाँ के क्या कहलाते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि वो एक साल या उससे ज़्यादा अगर अगर उस कंट्री में अगर वो रह रहे हैं एक साल या उससे ज़्यादा तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं वो इंक्लूड किए होते हैं, यानी कि मतलब इंक्लूड उनको किया जाता है वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉर्मल रेजिडेंट का मेन मोटिव मतलब जो होता है वो ये होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि वो उस कंट्री में रहकर अपनी इनकम को अर्न कर रहे हैं, वो कुछ अपना काम कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। वो कंट्री के कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, यानी कि उनका इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसमें उनका जो होती है एनरोलमेंट होती है भी, वो वहाँ पे रह के प्रोडक्शन भी करते हैं, कंजप्शन भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इस तरह से, ठीक है, मतलब वो सब काम करते हैं वहाँ पे रहकर और इनकम को जनरेट करते हैं, इनकम अर्न करते हैं एक साल से ज़्यादा, मतलब एक साल या उससे ज़्यादा अगर वो उस कंट्री में रह लेते हैं तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं कंट्री के कहलाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं वो इंक्लूड, कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं ना उसके अंदर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल को कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल जब हम रेजिडेंट की बात करते हैं। उसके अलावा ये कहता है कि मान लीजिए, ये कहता है ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है कंट्री का इज आल्सो अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जरूरी नहीं है कि कोई नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है कंट्री का वो उस कंट्री का सिटीजन भी हो। कहते हैं जस्ट एन एग्जांपल, ये कहते हैं इफ एन इंडियन इज लिविंग इन यूएसए फॉर मोर देन वन ईयर, मान लीजिए कोई इंडियन है वो यूएसए में रहता है और उसको एक साल से ज्यादा हो गया वहां पे रहते हुए, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, यूएसए में, मतलब उसको एक साल से ज्यादा हो गया यूएसए में रहते हुए, तो वहां का वो कौन हो गया, नॉर्मल
रेजिडेंट हो गया, ठीक है, और वहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, वहाँ पे वो इनकम भी अर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसका मतलब ये कि वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है, इट विल बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ USA, यानी कि वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है, लेकिन वेन इट कॉन्टिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन वो इंडिया का भी सिटीजन है, ठीक है, मतलब नागरिक तो वो इंडिया का भी कहा रहेगा, मतलब सिटीजन तो वो इंडिया का भी रहेगा, बस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे है, वो इनकम वहाँ अर्न कर रहा है, एक साथ ज्यादा उसे रहते वहाँ हो गए, तो वहाँ का वो नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो वहाँ का, मतलब जो उसको नॉर्मल रेजिडेंट की जो मान्यता है उसे वहाँ की प्राप्त उसे हो जाती है, लेकिन वो सिटीजन जो है वो इंडिया का भी रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड, अब मैं इसमें बताऊंगी कौन कौन से मतलब नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जिनको नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड किया जाता है। कहते हैं सिटीजन ऑफ अवर कंट्री हु नॉर्मल रेसाइड इन द कंट्री, वही मैंने बताया कि जो उस कंट्री में रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है उसको नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। सिटीजन ऑफ अदर नेशन हु कंटिन्यूटली लिव इन अवर कंट्री बियॉन्ड, कहते हैं मान लीजिए कोई अदर जैसे मैंने आपको USA का एग्जाम्पल बताया कि मान लीजिए कोई दूसरे नेशन का कोई पर्सन अगर किसी दूसरी कंट्री में, मान लीजिए किसी दूसरे नेशन का, मान लीजिए USA है, USA का कोई भी सिटीजन है और अगर वो इंडिया में रह रहा है और उसको एक साल से ज़्यादा हो गया और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है तो वो इंडिया का क्या क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट वो इंडिया का कहलाएगा, लेकिन जो सिटीजनशिप होगी वो उसकी USA की होगी, मतलब सिटीजन तो वो USA का ही कहलाया जाएगा, लेकिन उसको एक साल से ज़्यादा हो गया और उसका मतलब इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है तो वहाँ का वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ का कहलाएगा। उसके बाद कहता है जो सिटीजन ऑफ अ कंट्री, जैसे अपनी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वर्ल्ड बैंक, IMF, ये भी जो होती है मतलब जहाँ लोकेट करती है जिस तरह से वहाँ की वो क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाई जाती है। उसके अलावा ये कहते हैं कि सिटीजन ऑफ अवर कंट्री हु लिविंग अब्रोड, कहते हैं मान लीजिए किसी कंट्री का सिटीजन अगर वो अब्रोड में रह रहा है और उसको एक साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो अगर उसको एक साल से ज़्यादा नहीं हुआ है तो वो कहाँ, तो मतलब जो उसका नॉर्मल रेजिडेंट होगा वो कहाँ का होगा, वो वहीं का होगा जहाँ की उसकी सिटीजनशिप है, क्योंकि उसको एक साल से ज़्यादा अभी वहाँ पे नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड, कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट जो होते हैं कंट्री के उसमें किस किस को इंक्लूड नहीं किया जाता। फर्स्ट अपने पास आता है किसको इंक्लूड नहीं किया जाता इसके अंदर, भाई फर्स्ट कहते हैं कि द फॉरनर्स हु विजिट अवर कंट्री फॉर, कहते हैं जो फॉरनर्स होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए आ रहे हैं या फिर अपने रिक्रिएशन यानी कि भाई अपने मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं, छुट्टियां बनाने आ रहे हैं, या बच्चा कोई बाहर से पढ़ने के लिए आ रहा है, या कोई स्पोर्ट्स के लिए आ रहा है, या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा है, या कोई बीमार है मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहा है, तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, चाहे उसको एक साल से ज़्यादा हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई इनकम इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है उसका, वो केवल किसी पर्पज से आया है, भी ट्रैवलिंग घूमने के लिए आ रहा है, या फिर वो ठीक है, या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, छुट्टियां बनाने के लिए आ रहा है, या बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, तो नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ का नहीं कहलाया जाएगा। सेकंड कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन अवर कंट्री, कहते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी नॉर्मल रेजिडेंट होता है नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक छोटा सा इसमें कंसेप्ट आता है कि आपको बताना है कि नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन से होंगे। कहते देखो नॉर्मल रेजिडेंट तो कौन से होंगे, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, कि जो इंडियंस हैं वो वर्क काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसीज में, ठीक है, हैं तो वो इंडियंस लेकिन वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे वहाँ के। इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ, इंडियन के जो एम्प्लॉई हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट, भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडिया में ही, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है लोकल पीपल जो हैं वो वर्क कर रहे हैं IMF के ऑफिस में तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। कहते हैं एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो एम्बेसडर्स हैं इंडिया के वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर गए हुए हैं अगर, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाएंगे वहाँ के। कहते हैं फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर, कहते हैं फॉरेन के जो सिटीजन्स हैं वो एक साल से ज़्यादा साल अगर वहाँ पे, अगर एक साल से ज़्यादा साल अगर वो रह रहे हैं इंडिया के अंदर तो नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ के कहलाए जाएंगे। अगर अदर देन स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, भी मान लीजिए अगर वो पढ़ाई के लिए नहीं आए हैं या फिर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में इंक्लूड होंगे। कहते हैं नॉन रेजिडेंट कौन से होंगे, कहते हैं फॉरनर्स वर्किंग इन इंडिया एम्बेसीज कैनेडा और जापान, कहते हैं फॉरनर्स जो है वो कैनेडा और जापान में वर्क कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। कहते हैं फॉरनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, फॉरनर्स फॉरन के अगर हमारे यहाँ पे आके WHO में काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट होंगे, ठीक है। कहते हैं जर्मन वर्किंग जो है एज डायरेक्टर ऑफ ऑफिस, कहते हैं अगर जर्मन के हैं अगर वो IMF के ऑफिस में अगर एक डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं तो वो भी नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे। एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर्स जो है इंडिया के अगर वो काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाए जाएंगे।
ठीक है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं ये, द फॉरन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया कहते हैं, जो फॉरन के टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और उनको एक साल से कम हुआ है तो वो भी अपने नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा कंसेप्ट था नेशनल इनकम, जिसमें हमने पढ़ा फैक्टर इनकम्स कौन से होते हैं, फैक्टर पेमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, और हमने